बिहार में बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, बड़े बड़े निवेशकों को बुलाया जा रहा है। तैयारी ऐसी की जा रही है कि बिहार में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आकर निवेश करें और बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। दरअसल बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बार बार इन्वेस्टर्स से यानी कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से और निवेशकों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप भी बिहार में आइए, हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दरअसल हैदराबाद में शनिवार को बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन शामिल हुए, जहां उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों से बिहार में निवेश करने का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें सफल बनाना ही नीतीश सरकार की जिम्मेदारी है। शाहनवाज हुसैन ने उद्योगपतियों से कहा कि अगर वे अपने बिजनेस का विस्तार चाहते हैं तो बिहार में करें, राज्य में हर संसाधन मौजूद है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि बिहार इन्वेस्टर्स मीट में हैदराबाद और आसपास की 50 कंपनियों के उद्योगपति और उसके प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने अलग अलग सत्रों में हिस्सा लेकर बिहार में निवेश की पूरी संभावनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इन्वेस्टर्स मीट में शामिल कंपनियों में IT, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोटेक, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल। मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि हैदराबाद शहर को पूरी दुनिया में लोग साइबर सिटी और हाईटेक सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन इस शहर ने भी आज के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कहीं से तो शुरुआत की होगी। बिहार ने भी उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प मजबूत कर लिया है। यही कारण है कि हमने बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाई है। अभी हाल ही में हमने 54 औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग की जमीन की कीमत 20 से लेकर 80% तक कम कर दी है। आपको याद होगा, इससे पहले भी दिल्ली के होटल ताज बांध सिंह में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 ऐतिहासिक रहा था। 30 बड़ी कंपनियों समेत इस समिट में देश की 170 कंपनियां शामिल हुई थी। अडानी, लुलू ग्रुप, ITC, HUL, कोका कोला, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, अमूल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पतंजलि, उषा मार्टिन, होंडा, L&T, अरविंद मिल्स, टाटा, ब्लूस्कोप, KEI इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, अंबुजा समेत देश की कई बड़ी और नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस मीट में शामिल होकर इसे सफल और ऐतिहासिक बनाया। दरअसल बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 में अडानी, लुलू ग्रुप, ITC समेत कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़े निवेश का ऐलान भी किया। अडानी इंटरप्राइजेस के निदेशक और MD प्रणव अडानी ने कहा है कि ये वाकई काबिले तारीफ है कि बिहार तेजी से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और अडानी ग्रुप की तरफ से बहुत जल्द एक प्रतिनिधिमंडल निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए बिहार भी जाने वाला है। तो कुल मिलाकर बिहार में बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए मंत्री शाहनवाज हुसैन आमंत्रित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बिहार अब वो बिहार नहीं है जिसके बारे में आप पहले से सुनते आए हैं। ये बिहार बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते बिहार को और भी बेहतर बनाने के लिए मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हो रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को न्योता दे रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।